सो है गाइस, स्वागत आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में इसको डीके में। एंड आज हम जिस शेयर के बारे में बात करेंगे वो है लो यार्ड स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड। लो यार्ड स्टील के अंदर आपने देखा होगा अभी सुबह 10% का अपर सर्किट हमें देखने को मिला, ठीक है, 10% का यूसी लगा। उसके बाद आप लोग देखोगे स्टॉक में गिरावट हुई। वो गिरावट एक्चुअली में क्यों हुई, आपने देखा 50 रुपये तक जो शेयर ऊपर में पहुंचा, फिर स्टॉक अचानक से टूटा, गिरावट भी हो गई, 44.5 के भाव तक नीचे में आ गया था, 44.65 के भाव तक। तो वो अचानक क्यों हुई उसके ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे, साथ में कल के क्या रहने वाले लेवल, क्या यहाँ से फ्रेश एंट्री लेकर चलना सही रहेगा या फिर अभी जो अभी क्वार्टर वन का वेट करें। तो पब्लिक के भी बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, स्टॉक ओवर वैल्यूड हो चुका है इसमें कोई दो राय नहीं है, साथ में ओवरबॉट जोन में इसमें भी कोई दो राय नहीं है, ये मैं आपको हमारी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कल के लेवल्स को लेकर। तो चलिए फटाफट से देखते हैं, आज भी शेयर जिन्होंने 4.5% की तेजी के साथ क्लोजिंग लिया 48.10 के भाव पर और 5,83,00,000 की हमें स्टॉक में आज फिर से हैवी वॉल्यूम देखने को मिली है। तो हैवी वॉल्यूम स्टॉक में लग चुके और 50 रुपये का जो टारगेट था वो भी हमारे जो अभी यहाँ पर अचीव होते हुए नजर आए और 5,189 करोड़ की मार्केट कैप भी पहुँच चुकी है, जबरदस्त रैली स्टॉक में देखने को मिली है। और पीई आप लोग देख सकते हो अभी 141 के आसपास पहुंचा हुआ है। और आरएसआई एमएफआई की बात करें तो ये भी आप लोग देखोगे अभी आरएसआई आपको 85 पर और एमएफआई 88 पर दिखाई दे रही है, यानी स्टॉक के ऊपर पूरे के पूरे चांस है गिरावट आने के। और प्रॉफिट बुकिंग के बारे में मैंने हमारी कल की वीडियो में आपको बता दिया था कि स्टॉक में देखो तेजी बनेगी, ठीक है, और 5% के गैप अप के साथ अगर ओपन होगा तो स्टॉक 50+ भी निकलेगा, बट ऊपर के लेवल से फिर प्रॉफिट बुकिंग के चांसेज है, ये हमारी कल की वीडियो मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे 50 रुपये 60 पैसे का स्टॉक ने आज हाई लगाया है, उसके बाद में आप लोग देखोगे 44.65 तक नीचे मिल गया है। तो यहाँ पर जो है अभी स्टॉक में पहले तेजी बनी फिर स्टॉक में एकदम से फॉल अचानक से। तो चलिए आपको बताते हैं अभी पहले रीजन गिरावट का, उसके बाद डिस्कस करेंगे इसके कल के लेवल। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बड़े प्लेयर यहाँ पर अपना जो पैसा है वो सेव करेंगे, यानी कि प्रॉफिट बुक करेंगे। तो लो यार्ड स्टील में आज के दिन जो होने वाली लार्ज डील है वो यहाँ पर आप लोग देखोगे किस टाइम हुई है, किस भाव पर हुई है, किस डेट को, आज की डेट में हुई 1 तारीख को, NSE BSE दोनों साइड्स के दोनों एक्सचेंजेस के ऊपर हमें देखने को मिला है, ज़्यादातर NSE के अंदर। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे हैवी क्वान्टिटी में जो माल है वो निकाला गया था सुबह, आप लोग देख सकते हो अभी जो 50 रुपये के भाव पर जो ऑर्डर लगे ना सुबह 9:23 9:25 पर, ये उस समय आप लोग देखोगे ये जो माल है वो निकाला गया था। यहाँ से आप लोग देख सकते हो 50 रुपये के भाव के ऊपर में जो ऑर्डर लगे 49.80-50 इस भाव से जो माल है वो सुबह सुबह निकाला गया था। तो यही तो था अभी गेम पूरा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो अभी स्टॉक को पहले पंप किया, ठीक है, जैसे स्टॉक में तेजी बनी 50% की फिर ऊपर के लेवल से जो माल है वो निकाल दिया। और लास्ट में आप लोग देखोगे 10:44 के बाद में कोई भी डील इसके अंदर हमें लार्ज में आती नजर नहीं आई है, तभी तो शेयर स्टेबल हो पाया था। तो यहां से आप लोग देखोगे कल के क्या माहौल रहेंगे, चलिए वो देखते हैं चार्ट्स के ऊपर, कहीं स्टॉक में कोई बड़ा फॉल आने की संभावना तो नहीं है, वो भी आपको बताएंगे। तो इसके लेवल देखने से पहले एक बार इसका डाटा देख लेते हैं। प्रीवियस क्लोजिंग क्या थी, 46.05 रुपये, ओपन हुआ 47.40, हाई लगाया 50.65 का, फिर उसके बाद जो है अभी शेयर नीचे में 44.65 तक नीचे में भी आया, तो स्टॉक में बिग फॉल बना। इस गिरावट के चलते मार्केट प्राइस पर आप लोग देखोगे 10,782 क्वांटिटी का एक सेल ऑर्डर देखने को मिल रहा है, कुछ खास बड़ा नहीं है, 10,782 क्वांटिटी का है। और डिलीवरी पोजिशन की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 30% के करीब डिलीवरी उठी है, डिलीवरी कम उठी है ये नेगेटिव संकेत है भाई। और दिन आपने देखा होगा 50%+ डिलीवरी उठती थी, कल के दिन 40%+ थी और आज तो आप लोग देखोगे 30% के करीब डिलीवरी उठी है। और जो शेयर ट्रेड हुए 4,30,00,000 के करीब और 1,28,00,000 के करीब जो है वो डिलीवरी के रूम में उठाई गई हैं। तो यहाँ पर जो क्वांटिटी डिलीवरी रूम में कम उठी है, बट आने वाले टाइम में आप लोग देखोगे लॉन्ग टर्म के लिए जिन्होंने पैसा लगाया है उनके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी है, शॉर्ट टर्म वालों के लिए भी और इंट्राडे वगैरह करने वाले उनके लिए भी। तो चलो देखते हैं चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे स्टॉक के अंदर जबरदस्त अप ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पर स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद आप लोग देखोगे मैंने कल वाली वीडियो में आपको क्या बोला, नीचे में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो 32 का है, बट शेयर तो एक अच्छी रेंज में गया हुआ है ना अभी, ठीक है, अभी 32 का सपोर्ट एस एल लेने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो यहाँ से आप लोग देखोगे मैंने कल की वीडियो में आपको 44.25 का एस एल पुट करने के लिए बोला, स्टॉक नीचे में आया किस भाव तक, 44.65 तक जो शेयर है वो नीचे में हमें आते हुए नज़र आया था, लेकिन अपना जो लेवल था उस तक नहीं आ पाया है, यानी स्टॉक में उस लेवल के आसपास से फिर से स्टॉक में रिकवरी बनी है। और ये रिकवरी आपको एक अच्छी लेवल की तरफ लेते हुए जा सकती है, इसलिए 44.25 रुपये का एसएल आई थिंक आपको पुट करके चलना चाहिए। और ऊपर में जो इसके टारगेट रहने वाले हैं वो आप लोग देखोगे 50+, जी हाँ 50+ का टारगेट स्टॉक आपको यहाँ से दिखा सकता है। साथ में अभी क्वार्टर वन के रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, उनके अभी तक डेट अनाउंस नहीं हुए, जैसे ही क्वार्टर वन के रिजल्ट
जो डेट आएगी वो आपके साथ जो है भी शेयर कर दी जाएगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और जो भी फ्रेश एंट्री लेने के बारे में सोच रहे हैं या फिर ले चुका है तो इन जो मैंने आपको बताए हैं लेवल्स, इनके ऊपर फोकस कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।